गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक हम लोग फिजिक्स की जो थ्योरी होती है, चाहे नीट से रिलेटेड हो या IITian से रिलेटेड हो, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन भी कंप्लीट कर चुके हैं. लेकिन कई बार ये डिमांड आती है कि जो IITian के या नीट के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं, उनका भी डिस्कशन होना चाहिए. तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि कम से कम एक क्वेश्चन जो है IITian का, वो हम लोग डेली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. अगर ज़्यादा हो सकता है तो ज़्यादा करेंगे, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन जो है डेली डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स से, जिसमें कि प्रोजेक्टाइल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन और रिलेटिव मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, है ना. हालांकि IITian में ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, है ना. मतलब कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का है, तो हो सकता है कि इसमें सर्कुलर मोशन का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाए, हो सकता है मोमेंटम कंजर्वेशन का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाए, है ना. तो एक बार जो थ्योरी पूरी पढ़ लेंगे, उनको ये जो क्वेश्चन है वो करने में ज़्यादा मज़ा आएगा और अच्छी तरह से समझ में भी आएगा. तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ. इसमें कहा गया है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ इनिशियल स्पीड यू नॉट एट एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल. तो सिंपल अभी तक यहां बताया गया है कि एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर यू नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया. ये वर्टिकल डायरेक्शन है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने एक्स एक्सिस लिया हुआ है, ठीक है. जनरली IITian के जो क्वेश्चन होते हैं देखने में काफी लंबे होते हैं, तो जब भी हम लोग पढ़ते हैं, एक लाइन पढ़ें, पढ़ने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हमेशा एक डायग्राम के फॉर्म में बनाएं, जो डेटा दिया हो उसको वहाँ पर लिखेंगे, है ना. जो पूरा क्वेश्चन है एक छोटे से स्पेस पे हम लोग अगर उसको नोट डाउन कर पाएं, तो जो पूरा कहानी है एक बार में समझ में आ जाता है. और जब एक बार में समझ में आ जाता है तो उसको सोल्व करने में भी आसानी होती है और मज़ा आता है, ठीक. तो अभी हमने एक सेंटेंस पढ़ा है और उसको हमने वहाँ पर नोट डाउन किया है. अगले सेंटेंस पर आते हैं. कहा गया है, एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी इट मेक्स अ कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन. हाइएस्ट पॉइंट जो है, जब ये चलेगा यहाँ से, है ना, इस तरह से हाइएस्ट पॉइंट पर जाएगा, तो यहाँ पर किसी पार्टिकल से, आइडेंटिकल पार्टिकल से ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन करता है. परफेक्टली इन इलास्टिक कर सकते हैं, कम्प्लीटली इन इलास्टिक कर सकते हैं, जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होता है, है ना. कहा गया है, इट मेक्स अ कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन विथ अनदर आइडेंटिकल पार्टिकल. आइडेंटिकल का मतलब यह हुआ कि उसका मास भी उसी के जितना होगा, है ना. विच वॉज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द सेम इनिशियल स्पीड यू नॉट. दूसरा इंफॉर्मेशन यह है कि उस पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया था. वर्टिकली अपवर्ड फेंकने का मतलब यह हुआ कि हाईएस्ट पॉइंट के जस्ट नीचे वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ फेंका गया होगा, है ना, तभी वर्टिकली अपवर्ड जाकर यहाँ टकराएगा. इसका स्पीड भी यू नॉट ही बताया गया, है ना. इसको यू नॉट स्पीड से फेंका गया है, लेकिन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया. दूसरे वाले को यू नॉट स्पीड से ही फेंका गया, लेकिन अल्फा एंगल पर फेंका गया. तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के दोनों के बीच में परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है. फिर पूछा क्या गया है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं. कहा गया है, द एंगल दैट द कंपोजिट सिस्टम. कंपोजिट सिस्टम का मतलब दोनों को जो है कोलाइड करने के बाद, कोलिजन के बाद जो एक बड़ा सा सिस्टम बनेगा, जो बड़ा सा एक मास आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बारे में बोला है कि द एंगल दैट कंपोजिट सिस्टम मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, है ना. तो वो एंगल हमें बताना है, और एंगल के ऑप्शन भी दिए गए हैं. पहला ऑप्शन है पाई बाय फोर, अगला है पाई बाय फोर प्लस अल्फा, अगला है पाई बाय फोर माइनस अल्फा, और फाइनली पाई बाय टू, है ना. तो हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं कि जैसे ये पार्टिकल है, अगर यूनिट स्पीड से जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वर्टिकल स्पीड जो है वो जीरो हो जाती है, है ना. अगर मैं ये कहता हूँ कि ये है पार्टिकल एम वन, जिसका मास है एम, है ना, ये है पार्टिकल एम टू, इन दोनों का मास इक्वल रखेंगे हम लोग, इसका भी एम और इसका भी एम रखेंगे. जस्ट अभी हमने अलग अलग डिफरेंट पार्टिकल दिखाने के लिए एम वन एम टू लिखा है, है ना. तो इसकी जो वेलोसिटी होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, ये होगी यू नॉट कॉस अल्फा, है
है ना, यहां पर। और जब ये जब यहां जाएगा तो जस्ट टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये भी हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, ये जो हाइट है ये मैक्सिमम हाइट है h, है ना। तो यहां पर अगर यूनिट स्पीड था तो मैक्सिमम हाइट जितना डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसके बाद कितना स्पीड बचेगा ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। या तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं या सिंपली काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू वाई, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल स्पीड वी वाई हम लोगों को फाइंड करना है, यू वाई जो है वो यू नॉट है, है ना, प्लस टू एक्सेलरेशन है माइनस जी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में वो है मैक्सिमम हाइट एच के इक्वल, जहां पर एच का वैल्यू कितना होता है, अगर प्रोटाइल है यू नॉट वेलोसिटी से अल्फा एंगल फेंका गया है तो इसका मैक्सिमम हाइट आएगा यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई टू जी, ये हाइट है। तो ये हाइट हम लोग यहां पर रखेंगे यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई टू जी, है ना। तो यहां से आप देखेंगे कि ये टू जी और ये टू जी कैंसिल हो जाएगा, यू नॉट स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यानी यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहां से वी वाई का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा यू नॉट कॉस अल्फा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये भी यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी भी आ गई यू नॉट कॉस अल्फा और इसकी भी यू नॉट कॉस अल्फा थी। तो एम वन और एम टू इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो यू नॉट कॉस अल्फा है लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं उस बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के इंटरवल में। यहां पर mg का जो इफेक्ट है उस जो कोलिजन का ड्यूरेशन है इसमें mg का इफेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, है ना, क्योंकि mg जो है एक्चुअली में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यूनिवर्स का वीकेस्ट फोर्स है। तो जो कोलिजन होता है माइक्रो सेकेंड के लिए होता है, उस छोटे से ड्यूरेशन में वो जो mg फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मोमेंटम चेंज नहीं कर पाता है और इसलिए हम लोग यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसमें क्या करेंगे, कोलिजन से जस्ट पहले का मोमेंटम और कोलिजन के जस्ट बाद का मोमेंटम इक्वेट करेंगे। तो कोलिजन से जस्ट पहले ये जा रहा था इधर मास m और वेलोसिटी u नॉट cos अल्फा x डायरेक्शन में था तो मैंने i कैप लिखा, ठीक। ये जा रहा था y डायरेक्शन में, उसका मास भी m, वेलोसिटी u नॉट cos अल्फा j कैप, क्योंकि ये y डायरेक्शन में जा रहा था, है ना। ये कोलिजन से पहले का मोमेंटम हो गया, कोलिजन के बाद दोनों स्टिक कर जाएंगे तो मास टोटल हो जाएगा 2m और वेलोसिटी मैं मान लेता हूं कि v है, उस v का वैल्यू हमें पहले फाइंड करना है। तो यहां से देखेंगे कि ये जो m है वो कैंसिल कर सकते हैं, तो v का जो वैल्यू आया ये आ गया u नॉट बाई टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस जे कैप, है ना, ये वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। तो देख सकते हैं यहां से, क्योंकि यहां पर आई कैप और जे कैप है, तो अगर हमें पता करना हो कि कोलिजन के बाद ये हॉरिजेंटल से कितने एंगल पर जा रहा होगा, है ना, कुछ ऐसे चल रहा होगा, देख सकते हैं जिसका एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट दोनों इक्वल आए हैं, है ना। एक्स कॉम्पोनेंट जो है वो है यू नॉट बाई टू कॉस अल्फा और जो वाई कॉम्पोनेंट है कोलिजन के बाद, कोलिजन के पहले तो ये अलग अलग थे, है ना, कोलिजन के बाद की बात करेंगे तो ये आ गया u नॉट बाई टू कॉस अल्फा। तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल बीच में आएगा, है ना, ये जो वेलोसिटी है बिल्कुल बीच में आएगा, 45 डिग्री के एंगल पर आएगा, क्योंकि हम लोग जब एंगल निकालते हैं टैन थीटा तो इसमें y कॉम्पोनेंट को x कॉम्पोनेंट से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉम्पोनेंट इक्वल है तो ये रेशियो आएगा 1 यानी थीटा आएगा 45 डिग्री या थीटा का वैल्यू
पाई बाई फोर भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि जो ऑप्शन है ऑप्शन ए ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना।